कनाडा के टोरंटो में भारतीय समुदाय और खालिस्तान समर्थक हुए आमने सामने। भारतीय कौंसुलेट के सामने दोनों ने जताया विरोध। कुछ खालिस्तान समर्थकों ने झंडे लेकर कौंसुलेट के सामने जमा हुए थे। जवाबी कार्रवाई में भारतीय समुदाय के लोगों ने विरोध जताया। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर जमा हुए खालिस्तानी समर्थक 30 से 40 की संख्या में पहुंचे थे। खालिस्तानी समर्थक की सूचना मिलते ही लंदन में पुलिस ने तैनात किए अपने जवान। थोड़ी देर के प्रदर्शन के बाद लौटे खालिस्तानी समर्थक। लंदन में खालिस्तान समर्थक के प्रदर्शन की प्रतिक्रिया अमेरिका में भी नजर आई। वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू पहुंचे दूतावास, सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। ईरान में एक थाने पर चार आतंकवादियों ने हमला किया, दो पुलिस वालों की हत्या की। रूस यूक्रेन जंग के 500 दिन पूरे, अब तक कुल 9000 यूक्रेनियों की मौत हुई है, 500 बच्चों ने गंवाई है जान, 15000 से ज्यादा लोग घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया स्नेक आइलैंड का दौरा, सैनिकों को सम्मानित भी किया। यूक्रेनी सेना ने जेलेंस्की के स्नेक द्वीप पर जाने का वीडियो जारी किया। अभी तक यह साफ नहीं है कि आगे का यह वीडियो कब शूट हुआ। इस्तांबुल में जेलेंस्की के साथ तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेलेंस्की बोले यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के तुर्की का मिला समर्थन। रूस में वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के घर और ऑफिस पर छापा। रूसी सेना और एफएसबी ने रेड की। बड़ी संख्या में डॉलर रूबल के अलावा सोने के बार भी बरामद किए गए। बीजिंग यात्रा पर बोले यूएस के ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन, दोनों देशों के बीच अवसरों और चुनौतियों पर गहनता से चर्चा हुई। अमेरिका के लॉस वेगास में पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया चुनाव प्रचार, जो बाइडेन को बताया भ्रष्ट और अक्षम नेता। अमेरिका के अफगानी मददगार का वर्जीनिया के फ्रेडसबर्ग में हुआ अंतिम संस्कार, वाशिंगटन में गोली मारकर हुई थी हत्या। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो से मुलाकात की। अगले महीने आयोजित होने वाले अमेजन शिखर सम्मेलन पर चर्चा हुई। इसराइल में जुडिशियल बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। इसराइली पीएम नेतन्याहू की योजनाओं का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए लोग। पूर्वी पाकिस्तान के सरगोधा में एक यात्री वैगन में काफी आग लगी, दो बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हुई। पुलिस के मुताबिक वैन में आग लगाया गया था। एलपीजी सिलेंडर गैस लीक होने की वजह से धमाके के बाद आग लगी। ब्राजील में बिल्डिंग गिरने के बाद 31 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। 3 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया। मरने वाले 14 लोगों में से 5 बच्चे।